श्री कृष्णा, राजस्थानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक जूसी और करारी रेसिपी, क्रिस्पी कॉर्न। क्रिस्पी कॉर्न बहुत ही आसानी से बन जाता है और आप इसे कभी भी गेस्ट को स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं और कभी शाम को स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं और ये बहुत ही यमी लगता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं हम क्रिस्पी कॉर्न। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए हमने एक कटोरी स्वीट कॉर्न लिया है, थोड़े से हमने प्याज चॉप कर लिया है, ये एक मीडियम साइज का प्याज है। हमने आधा टमाटर चॉप किया है, एक बाउल कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली को हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में हम स्वीट कॉर्न को बॉईल करेंगे। स्वीट कॉर्न्स को बॉईल करने के लिए हमने एक पैन में थोड़ा पानी लिया है, हम इस पानी को बॉईल होने देंगे और उसके बाद इसमें हमारे कॉर्न्स डाल देंगे। हमें इसके लिए पानी इतना ही लेना है कि हमारे कॉर्न्स पानी में डूब जाए अच्छे से। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने दें ताकि हमारे कॉर्न्स अच्छे से फूल जाएंगे और ये जूसी हो जाएंगे। देखिए हमारे कॉर्न्स थोड़े थोड़े फूलने लगे हैं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसका पानी पूरा निकाल लेंगे। कॉर्न्स को स्ट्रेन करने के लिए हम इस तरह का कोई स्ट्रेनर ले सकते हैं। अब हम इसमें कॉर्न्स डाल देंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए ये कितने जूसी हो गए हैं, हमने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इन्हें बनाने का प्रोसेस। अब हम इसमें सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसके बाद नमक, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे कॉर्न्स अंदर से भी एकदम मसालेदार बनेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स करते जाएंगे। हमने मसाला पहले इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे जो कॉर्न्स हैं वो अंदर से भी एकदम मसालेदार रहेंगे और ये जो कॉर्नफ्लावर का हम कोटिंग कर रहे हैं, अगर इसके बाद हम मसाला डालते तो इनका जो टेस्ट है वो जब इन्हें फ्राई करते तो सब हमारा मसाला निकल जाता, तो हमें वो मज़ा नहीं आता जो अभी आने वाला है। तो आई एम एक्साइटेड। देखिए हमें इसकी कोटिंग का ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि हमें इसकी कोटिंग एकदम इक्वली करनी है। आप देखिए सारे कॉर्न्स पे अच्छे से कोटिंग हो गई है, एकदम अच्छे से इसकी कोटिंग करें। आप चाहे तो इसे ऐसे हाथ से भी हिला सकते हैं। देखिए सारे कॉर्न्स पे हमारे बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो गई है। चलिए फिर अब इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे बहुत सारे क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं और जब भी कभी आपका मन करे तो आप इसे बस फ्राई करें और खा लें, तो आप इतना कोटिंग करके इसे डीप फ्रीज कर सकते हैं ताकि जब भी आपका मन करे आप बस इसे डीप फ्राई करें और फटाफट से आपकी क्रिस्पी कॉर्न बन के तैयार है। तो चलिए फिर हम इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा ऑयल ले लिया है, ये लगभग 150 ml होगा। देखिए हमने जो कॉर्न कोट किए थे, जो हमारा एक्सेस कॉर्नफ्लोर बचा है उसे हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी फ्राई करके बनाते हैं बट उससे ये उतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम फ्राई करते हैं। फ्लेम को हमें फुली रखना है, 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही पकने देना है। ये कॉर्न थोड़े से फटने लगे हैं, हम इन्हें एक प्लेट से ढक देते हैं। देखिए थोड़े थोड़े पकने लगे हैं, अभी हम इन्हें थोड़ा और पकाएंगे।
बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और लगभग 4 से 5 मिनट में ये आसानी से बन जाते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए ये अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, आप इन्हें एक चलनी में निकाल लीजिए ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। हम हमारे बाकी कॉर्न्स भी इसमें डाल देते हैं। और इन्हें अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देते हैं। और इन्हें हम ऑयल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे सेम प्रोसेस फिर से ढक देंगे। आप सुन रहे हैं इनकी आवाज़, ये कितनी क्रिस्पी है। तो चलिए फिर इनमें झटपट से हम मसाला मिलाते हैं और खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। ये ऊपर से जो हम मसाला डाल रहे हैं वो ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा सादा नमक, हमने पहले भी डाला है तो हम इसे थोड़ा सा कम ही डालेंगे। चाट मसाला हमने लिया है, एक कटी हरी मिर्च, एक कटा हुआ प्याज, ये हमने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया था, और एक कटा हुआ टमाटर। थोड़ा सा धनिया इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाओ, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। चलिए अब हम ये सर्व करते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।